नमस्कार, सतियात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को किया जा रहा प्रशिक्षित। मिर्जापुर जिले के छानबे क्षेत्र के जोकुलाल प्यारी देवी पीजी कॉलेज रामपुर नेवढ़िया में मिशन शक्ति के 150 महिलाओं को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को टूल किट, ड्रेस बैग आदि दिया गया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन बनाना है। मिशन शक्ति के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत 150 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कोऑर्डिनेटर रतीश चंद, आकाश गौड़, अनिल विश्वकर्मा, सेंटर इंचार्ज ट्रेनर रत्नेश कुमार, मनोज कुमार, शिवम सोनी, संतोष कुमार आदि लोग मौजूद रहे। जोकुलाल प्यारी देवी पीजी कॉलेज रामपुर नेवढ़िया कलना में 6 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधक रमेश कुमार गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में स्वरोजगार, आत्म सुरक्षा के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 11 मार्च से 16 मार्च तक चलेगा। प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सहयोग के रूप में अजय कुमार, कमलेश कुमार, श्रीमती सोनी सिंह, संतोष कुमार, पुनीत कुमार, कुमारी सुधा मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। सतियात्रा न्यूज से आशुतोष सर्वागी का खबर। धन्यवाद। परिचय बताएं। सर, मेरा नाम रतीश चंद है और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ और ये मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो महिलाओं को एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे इनको अपने अधिकार के बारे में, अपने स्वरोजगार के बारे में, अपने स्वावलंबन के बारे में, आत्मरक्षा के बारे में, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं 6 दिन में। ये 6 दिन का है जी सर। क्या लाभ होगा इनको? इससे महिलाओं को सिर्फ अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो जाएगा। जैसे कोई महिला को ये नहीं पता होता है कि कौन सी योजनाएं चल रही है, तो ये गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चल रही है, इसको नहीं मालूम होता है। जैसे कि समूह में योजना चल रही है और बहुत विश्वकर्मा चल रही है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा चल रही है, ODOP चल रही है, ये सब योजनाओं की इनको मालूम नहीं होता, तो ये उसका फायदा नहीं ले पाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इनको इस ट्रेनिंग में बताया जा रहा है। कितने मतलब महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है? 150 महिलाओं को ट्रेनिंग चल रही है सर। जनता तो 6 दिन के बाद और भी ट्रेनिंग देना है कि बस सिर्फ इन्हें? नहीं सर, ये ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग चल रही है, जैसे एक ब्लॉक में एक बार ट्रेनिंग होनी है और एक ब्लॉक में 150 ट्रेनिंग करवानी है। तो इन महिलाओं को कैसे पता चला कि हमें ट्रेनिंग होनी है? हमें सर ये मोबाइल करवा गया है अपने स्टाफ के माध्यम से, तो सबको जो जाके हम डोर टू डोर बताया गया उनको कि मिशन शक्ति ट्रेनिंग चलाई जा रही है, आप लोग जाके उसमें जागरूकता अभियान में आप लोग भाग लीजिए। कौन सा स्थान है ये? जो अंजलि, यहाँ पे आज महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप भी उसमें सम्मिलित हैं, तो क्या लाभ होगा आपको इससे? सर हमारे जैसे कोई भी दिक्कत परेशानी हो उससे हम सुरक्षित रहें, इसमें ये बताया जा रहा है। और हमें जैसे कुछ दिक्कत हुई तो हमें 1090 पर कॉल करना है, जैसे इमरजेंसी में। और किसी नहीं, आए दिन खबरों के माध्यम से आप देखते होंगे कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कदम उठाएंगे? ऐसे कंडीशन में सर हम तुरंत 1090 पर कॉल करेंगे। और अगर कोई जैसे कहीं पर भी हमें मतलब दिक्कत समझ में आ रही है, कोई हमारा कुछ पीछा कर रहा है, कुछ गड़बड़ है जी, तो हमें तुरंत कॉल करना है। दहेज को लेकर के जो है काफ़ी लड़कियां या महिलाएं जो है प्रताड़ित की जाती हैं, तो आप क्या इस पे आपका कदम होगा सर? दहेज पर